कोरोना को हराने के लिए अब तक का सबसे असरदार हथियार क्या रहा? वैक्सीन। लेकिन जब वैक्सीन ही ना हो तो टीकाकरण की सुरक्षा लोगों को आखिर कैसे मिले? दिल्ली में कल से 18 प्लस वाले लोगों को टीका लगना बंद हो गया है। मुंबई में भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लटका नजर आ रहा है। कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो चुकी है, इसलिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण अब रोकना पड़ेगा। केंद्र सरकार समय पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा रही, ये आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आज से युवाओं के वैक्सीनेशन पर अस्पष्ट रोक लगा दी। दिल्ली में वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी है, देश में भी कमी है, तो आज दिल्ली में वैक्सीन सारे खत्म हो गए हैं। युवाओं के लिए जो कोटा आया था, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है, मैंने इस पे बोला भी है कि हमें और वैक्सीन चाहिए। केजरीवाल का दावा है कि इस महीने दिल्ली को सिर्फ 16 लाख वैक्सीन मिली, जो जून में घटकर सिर्फ 8 लाख रह जाएंगी, और वैक्सीन की किल्लत फिर से ना हो इसलिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने चार मांगे रखी हैं। पहली की भारत बायोटेक का फार्मूला दूसरी कंपनियों के साथ जल्दी साझा किया जाए और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ये काम 24 घंटे के अंदर हो। दूसरा ये कि सभी विदेशी कंपनियों की वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल करने की इजाजत मिले। तीसरा कि अलग अलग राज्य सरकारों की जगह केंद्र सरकार सीधे विदेशों से वैक्सीन आयात करे। और चौथा ये कि विदेशी वैक्सीन उत्पादक कंपनियों को भारत में वैक्सीन उत्पादन की इजाजत दी जाए। हालांकि केजरीवाल के ये सुझाव और वैक्सीनेशन रोकने के आदेश से केंद्र सरकार नाखुश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के नाम पर लगातार राजनीति करते हैं। ऑक्सीजन के समय भी ऑक्सीजन 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 किया, बाद में कहा कि हमारे पास ज्यादा है, और इसलिए बहाना बनाना छोड़ दे केजरीवाल, इतना ही मैं। कोरोना लगातार जानलेवा साबित हो रहा है, इसलिए ऐसे वक्त में जरूरी है कि चाहे वो केजरीवाल हो या केंद्र सरकार, दोनों साथ मिलकर काम करें, क्योंकि उनकी अदावत का खामियाजा आम आदमी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता सुरभि काक जुड़ गई हैं। सुरभि, पूरे धूम के साथ ही वैक्सीनेशन का काफिला निकला, महीना भी पूरा नहीं हुआ और इसे रोक दिया गया। जी शिखा, देखिए कल हम दिल्ली के अलग अलग सेंटर्स पर पहुंचे, और जैसे कि पिछले हफ्ते राजधानी दिल्ली की सरकार ने ये जानकारी दे दी थी कि 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन जो है वो खत्म हो रही है, जिसकी वजह से शनिवार से शायद उन्हें जो टीकाकरण का पूरा जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही थी वो बंद करनी पड़ेगी। और कल ऐसा ज़मीनी स्तर पर देखने को मिला। हम कल अलग अलग सेंटर्स पर गए, वहाँ पर काफ़ी 18 से 44 साल तक के बीच के लोग जो है वो पहुँचे भी हुए थे, क्योंकि हम आपको ये बता दें कि कोविन ऐप पर अब वो तमाम सेंटर जो हैं 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए नज़र नहीं आ रहे हैं। जो 368 सेंटर्स खुले हुए थे, जो साइट्स उपलब्ध करवाई गई थी, उसकी जानकारी अब कोविन ऐप पर भी नहीं मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी 18 से 44 साल तक के लोग जो हैं कुछ कुछ सेंटर्स पर पहुंचे हुए थे और जानकारी लेने का प्रयास कर रहे थे। और उनसे भी जब हमने बात की तो उनका कहना यही था कि उनका टीकाकरण अभी तक नहीं हो पाया है। पहले भी उन्हें ऐप से अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और अब भी वो इसी आस में बैठे हुए थे कि उनका वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो जाएगा। इस वक्त भी जिस स्कूल पर मैं मौजूद हूँ उसे भी वैक्सीनेशन सेंटर जो है पिछले दिनों में बनाया गया था, अभी भी ये वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन सिर्फ 45 वर्ष से ज़्यादा के लोगों के लिए। हमारे पीछे आप तमाम तैयारियां यहां पर देखेंगे। हालांकि इस वक्त यहां वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 वर्ष से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा। रविवार का दिन है, सुबह का वक्त है, इसीलिए शायद यहां पर कोई नहीं मौजूद इस वक्त। लेकिन जी शिखा, राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की कमी से कहीं ना कहीं जो युवा है वो हताश जो है वो नज़र आ रहे हैं, और वह चाहते हैं कि जहां एक तरफ कोरोना की वजह से मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, मामले हालांकि कम हो गए हैं, लेकिन डर जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है, इसीलिए सभी लोग वैक्सीन जो है जल्द से जल्द लेना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दिल्ली की स्थिति जो है सुरभि काक बता रही है, और यही स्थिति मुंबई की भी है, क्योंकि मुंबई में भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे थे। मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा मुंबई में है। सूरज ओझा हमारे साथ इस वक्त संवाददाता जुड़ रहे हैं मुंबई से। सूरज, वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही है, और वहां भी बार बार राज्य सरकार यही इल्जाम लगा रही है कि केंद्र ने उन्हें वैक्सीन जो है वो उपलब्ध नहीं कराई, वहां क्या स्थिति है अभी?
शिखा, आज का मुंबई की जो हालत है वही हालत है। मुंबई में बीएमसी ने जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको बंद किया है आज, ये हवाला देते हुए कि मुंबई में वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। आपको ये भी बता दें शिखा कि पिछले हफ्ते जो बीएमसी है, सिविक बॉडी है, उसने 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देना बंद किया था ताकि जो वैक्सीन का स्टॉक है उसका इस्तेमाल कर 45 के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन दिया जा सके, खासकर जिन्हें दूसरी डोज लगनी है उन्हें दिया जा सके। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आज मुंबई में वैक्सीन पूरी तरह से देना बंद है, और बीएमसी का ये भी कहना है कि कल के बारे में उन्हें अभी नहीं पता, वो शाम तक इसे अपडेट करेंगे। तो शिखा, हालत ख़राब है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन सेंटर्स सारे बंद है। शिखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, वो कहते हैं ना, काफिला जहां से शुरू हुआ वहीं ख़त्म हो गया। वैक्सीन तो धूम से निकली, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धूम से निकाली गई, लेकिन जहां शुरू हुए वहीं वापस पहुंच गया। 18 प्लस वालों को दिल्ली और मुंबई में वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।